फ्रेंड्स, आज फ्राइडे अलविदा जुमा है और हमने रूम की क्लीनिंग कर लिया है। अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए और नहाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। फ्रेंड्स, हमने कपड़े आयरन कर लिया है और आप लोगों को एक बात और बतानी है कि ये जो मेरी जंपर है, जो मेरा कुर्ता है, ये मुझे मेरी सास ने स्टिच करके दिया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टिच हुआ है, क्योंकि कोई भी टेलर ले नहीं रहा था कपड़ा। कह रहा था कि अब हमारे पास जगह नहीं, अब हम कपड़े नहीं लेंगे, तो इसको हमारी सास ने सिल के दिया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिला है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, ये देखिए हमने नहा लिया है और अलविदा का कपड़ा भी पहन लिया और माशाल्लाह से हमारा कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये कपड़ा हमको हमारी मदर इन लॉ ने दिलाया है, मेरी सास ने दिलाया और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उन्होंने ही इसको सिला भी है। फ्रेंड्स, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन देश परदेश से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में आप सब की जायज़ दुआओं को कबूल करे, हज उम्रे की सआदत नसीब करे, आप सब की मगफरत करे, हम सब की मगफरत करे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज अलविदा जुमा है और फ्रेंड्स रमज़ान का आज आखिरी रमज़ान भी है। फ्रेंड्स, पता नहीं कि अगला रमज़ान किसके नसीब में हो या ना हो, इसलिए हम सबको अल्लाह पाक से यही दुआ करनी कि अल्लाह पाक हम सब की मगफरत करे, हम सब के गुनाहों को माफ़ करे, हम सब से जो भी छोटे बड़े गुनाह में उन सब की माफ़ी दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, ये देखिए माशाल्लाह से सभी लड़कियों ने भी अलविदा का कपड़ा पहन लिया और सबके कपड़े बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जब ये ईद के कपड़े पहनेंगी उसके भी वीडियो इन लोगों की आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, माशाल्लाह से सबके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए ये बच्चा दस्तरखान पे बैठा हुआ है और ऐन अफ्तार के वक्त की दुआ मांग रहा है और अल्लाह पाक इसके सदके हम सब की जायज़ दुआओं को कबूल कर ले। फ्रेंड्स, आप सब भी आमीन बोल दीजिएगा। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, मुबारक हो, ईद का चांद निकल चुका है और हम लोग आए हैं मार्केट में। इंशाल्लाह कल ईद होगी। फ्रेंड्स, ईद के लिए हम बनाने लगे हैं खीर और खीर का दूध हमने चढ़ा दिया और इसमें राइस भी, और इसके लिए हमने खोए को भी भून लिया है, इसको अच्छे से रेड कर लिया है, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिया है ताकि इसी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, कबाब भी पिस गया है, कीमा और चने की दाल का कबाब है। इसे छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के फ्राई किया जाएगा और इसके साथ पूड़ी भी बनी और सिमई को भी भून लिया गया है कि मामी सिमई बनाने के लिए सिमई को भून लिया गया है। और ये देखिए चिकन टिक्का बनाने के लिए हमने चिकन को भी बोनलेस चिकन हमने निकाल लिए हैं और अभी इनके छोटे छोटे पीस करके इनमें भी मसाला लगा देंगे। और ये कबाब को भी, चने की दाल और कीमे का कबाब है ये, और
और इसको भी अच्छे से पीस लिया है और इसके भी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना के इसको भी स्लो फ्राई किया जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हम हमदर्द का केसर लेके आए हैं, इसे भी खीर में हमने डाला और इससे खीर में कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। और ये देखिए, ऐसा हमदर्द का सैफ्रॉन है, ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपने रूम की सफाई कर रहे हैं ईद के लिए। और अभी मेरा रूम बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ है और फिर जब हमें रूम को हम क्लीन कर लेंगे फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। और हमने ऊपर के पर्दे चेंज कर दिए, इससे पहले यहाँ पे ग्रीन पर्दे लगे हुए थे, इस टाइम हमने इसको हटा के पिंक पर्दे लगा दिए हैं। और बाकी क्लीनिंग करके अभी आप लोगों को दिखाते हैं और आप लोगों को टाइम भी दिखा दें क्या हो रहा है। ये रात के 3:20 हो रहे हैं फ्रेंड्स और इतनी रात को हम सफाई कर रहे हैं क्योंकि अब जाके हमें फुर्सत मिली है, सुबह से कोई ना कोई काम में ही बिजी थे। ये देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह से हमारा रूम डेकोरेट हो चुका है और हमने इसको खूब अच्छे से डेकोरेट किया। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और टाइम अब हो रहा है 5:15, हमने फजर की नमाज भी पढ़ लिया। और ये देखिए, हम ये न्यू पॉट लेकर आए थे, फ्लावर पॉट, और माशाल्लाह से भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए, हमने न्यू फ्रिज कवर भी डाला है और उसके साथ ही लेकर आए थे हम ये रनर, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है हमारे फ्रिज के साथ में। और ये डोर मैट भी है, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। और फ्रिज के साथ यहाँ पे यहाँ का एरिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए, हमने ड्रेसिंग टेबल पे वॉलपेपर लगाया है, हमारा वॉलपेपर फ्रेंड्स कम पड़ गया था इसलिए हमने दोनों साइड में नहीं लगाया है, जब दोबारा मंगाएंगे तब फिर लगाएंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए, और माशाल्लाह से ये हमारे नेट के पर्दे हैं और पर्दे भी हमारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए,